एक्सलेंस एजुकेशन हमने हरियाणा जी के पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैं आपको एक बेसिक क्लासेस बता चुकी हूँ कि हरियाणा बना कैसे कैसे 1857 के बाद इसे पंजाब में मिला दिया गया, पहले ये दिल्ली का हिस्सा था, देन कैसे कैसे स्ट्रगल्स हुए, कैसे एक हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिश से एक जेसी शाह आयोग का गठन किया जाता है और फिर उनके कहने पर जो है हरियाणा को 17वें जिले के रूप में बनाया जाता है। तो आज हम उसके आगे बात करेंगे कि जो हमारे मंडल शुरू करवा दिए थे, मैंने आपको बताया था कैसे कैसे मंडल हैं, तो एक बार उनकी लोकेशन मैप में अच्छे से देख लो, जो आपको सबसे टॉप पर दिख रहा होगा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर एंड कुरुक्षेत्र, ये सारे चारों के चारों जिले आपके अंबाला मंडल में आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बेसिक सी आपको बता दूंगी कि अंबाला में क्या है, पंचकुला में क्या है, उसके बाद जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, जैसे जब मैं आपको इनकी जलवायु करवाऊंगी, नदियों के बारे में बताऊंगी, तो डेली आपके कुछ कुछ पॉइंट्स जो है और ऐड होते जाएंगे। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, जैसे जब हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे, तो आपके और ज्यादा पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक समझ बना लो, अपनी कमांड बना लो इस मैप पे, इस मैप को अच्छे से देख लेना कि कहां पर कौन कौन से चारों जिले हैं जो हम कवर करेंगे अंबाला मंडल के। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट हम अंबाला से शुरू करते हैं। अंबाला को ही मिक्सी सिटी के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिक्सी सिटी कौन सी है, तो वो है अंबाला। यहीं पर बहुत सारे विद्युत उपकरण मिक्सी के एंड इस तरह के बनाए जाते थे, इसीलिए इसको मिक्सी सिटी का नाम दे दिया गया। बना कब था, 1 नवंबर 1966, मतलब जब हमारा हरियाणा बना था राज्य, तब जो 7 जिले बने थे उसमें हमारा अंबाला पहले से ही था। देन पूछते हैं इसमें नदियां कौन कौन सी हैं। नदियां आपको दिखेंगी घग्गर, मारकंडा, टांगरी। इसके अलावा तहसीलों में कौन कौन से आएंगे, साहा, मुलाना, नारायणगढ़, शाहपुर, सारी की सारी तहसीलें आपको अंबाला जिले के अंदर ही देखने को मिलेंगी। साइंस अपरेटस सिटी के नाम से भी पूछ लें, वैज्ञानिक उपकरण सिटी, तो वो भी आपकी कौन सी है, अंबाला। देन अब अंबाला इसका नाम पड़ा क्यों, ऐसी मान्यताएं मानी जाती हैं कि महाभारत का जो एक पात्र था अंबालिका, उनका जन्म यहाँ पर हुआ था इसलिए इनका नाम अंबालिका पड़ा, या फिर आमों के बागों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसका नाम पहले अंबावला था देन आम अंबाला हुआ, फिर अंबा देवी मंदिर यहाँ पर सिचुएटेड है इसलिए इसका नाम अंबाला हुआ। तो ये सारी मान्यताएं मानी जाती हैं। इसके अलावा जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो भी आपके अंबाला जिले से ही हुई थी। 15 नवंबर 1949 को गांधी जी की हत्या की थी किसने, नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। इनका जो केस चला था वो शिमला हाईकोर्ट में चला था, वो तब एक ही हिस्सा था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सबको पंजाब गिना जाता था, लेकिन जो फांसी दी गई थी वो अंबाला की ही जेल में दी गई थी। देन अब मेले पूछ लेते हैं कि अंबाला में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो बावन द्वादशी, तीज, गुगा नवमी, ये तो बेसिक है, सारे जिलों में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट, घूमने वाले जो स्थल हैं वो हैं आपके महावीर उद्यान, इंदिरा उद्यान, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। अब मंजी साहिब में आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे, ये आपको कैथल में भी देखने को मिलेगा, रोहतक में भी देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ जाना अंबाला, अंबाला नहीं मिलता तो रोहतक, रोहतक और कैथल दोनों हो तो रोहतक के साथ जाना, अगर रोहतक भी ऑप्शन में नहीं है तो कैथल में भी आपको गुरुद्वारा मंजी साहिब देखने को मिलेगा। देन संगीत साहिब गुरुद्वारा, किंग फिशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग फिशर भी आपको अंबाला में देखने को मिलेगा, अंबिका देवी मंदिर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ शायद इसी वजह से इसका नाम अंबाला पड़ा था। देन शारदा मंदिर एंड लक्खी शाह की दरगाह, ये भी बार बार पूछ लेते हैं, तो ये भी आपकी कहाँ पर है, अंबाला। डे बाय डे हम अंबाला को फिर से डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स फिर से ऐड हो जाएंगे, साक्षरता दर कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने थोड़े से पॉइंट्स बता दिए हैं कि अंबाला की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम करते हैं पंचकुला, इसे ही हम नैनो सिटी के रूप में भी जानते हैं। मिक्सी सिटी पूछ ले तो अंबाला, नैनो सिटी पूछ ले तो वो आपकी कौन सी है, पंचकुला। कब बनती है, 15 अगस्त 1995 को 17वां जिला बनता है। किसको कट करके, अगर आपने मैप को अच्छे से देख लिया है तो आप देख सकते हो कि अब पंचकुला जो है नीचे जींद कैथल से कट करके तो नहीं बनेगा, किसको काटकर बनाया गया होगा, अंबाला को ही काटकर बनाया गया था पंचकुला। अब दूसरा सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे छोटा जिला है आपका फरीदाबाद, और दूसरा सबसे छोटा जिला 898 वर्ग किलोमीटर का, वो है आपका पंचकुला। अब 5 कूप यहाँ पे देखने को मिले थे, 5 वेल, शायद इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा होगा, पंचकुला। ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है, पांडवों का जो 5 पांडव थे वो जब अज्ञातवास में थे तब उन्होंने यहाँ पे समय काटा था, उनके भी अवशेष यहाँ पे देखने को मिले हैं।
मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ तीनों जो है, इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है? ट्राई सिटी। आपको एक और ऑप्शन में दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा इनमें ट्राई सिटी में नहीं है। पंचकुला में आपको मॉर्नी हिल्स देखने को मिलेंगी, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? करो चोटी। देन पिंजोर गार्डन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, इसी का ही नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन। एक यादवेंद्र नाम के पटियाला के राजा थे, उन्होंने इनकी डेवलपमेंट का काम किया था। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी आपको पंचकुला में ही देखने को मिलेगा। अगर करंट जीके की बात करें तो चौथे खेलो इंडिया जो खेल होने वाले हैं, वो युवा खेलो इंडिया जो खेल हैं, वो भी कहां पर होने वाले हैं? आपके हरियाणा के पंचकुला में। नेक्स्ट, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं आपके? मनसा देवी, भीमा देवी, चंडा देवी, कालका देवी, माता समलोठा, नाडा साहिब गुरुद्वारा भी यही है एंड टिक्कर ताल झील। इसके अलावा एक यहाँ पर एक एरिया देखने को मिलता है कालका, जहां पर आपकी जो ट्रेन की ब्रॉड गेज, नैरो गेज तीन टाइप की होती है, नैरो गेज, ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। वो क्या है आपकी, यहाँ से नैरो गेज शुरू हो जाती है, आपको रेल की जो पटरियां उनमें जो चौड़ाई दिखती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। नॉर्मल एरियाज में ब्रॉड गेज चलती है और इसके अलावा जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहां पर वो नैरो गेज हो जाती है, जिनकी पटरियों की जो बीच में चौड़ाई है वो 0.76 मीटर हो जाती है। तो वो यहां से ही, कालका से ही आकर आपकी वो नैरो गेज शुरू हो जाती है शिमला के लिए। वो आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये वाली ट्रेन, हेरिटेज ट्रेन्स हैं। तो ये थे हमारे पंचकुला एंड अंबाला। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके जो दो रह गए हैं अंबाला मंडल के, कुरुक्षेत्र एंड यमुनानगर, वो डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक क्लास है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि कैसे कैसे हमने क्या क्या इसमें HSSC के एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।